सरकार आदिवासियों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, पर इटारसी के जमवानी रोड पर विस्थापित नया माना गांव में इन दिनों ग्रामीण आदिवासी पीने के लिए पानी से परेशान देखे जा रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा बागरा से इस गांव को 2017 में विस्थापित किया गया था। ठेकेदार ने 94 बोर खोदे थे, पर 2 साल ही में सभी बोर धसक गए। सिर्फ 15 बोर ही चालू हैं, जिससे ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हैं। फसलों के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे यह ग्रामीण किसान केवल मानसून फसल ही ले पाते हैं। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने जब हमें विस्थापित किया था तो 5 एकड़ जमीन प्रति परिवार को दी थी, पर पानी की कमी के कारण साल में केवल एक ही फसल ले पा रहे हैं। यहाँ पर खोदे गए 94 बोरवेल में से मात्र 15 बोरवेल ही चालू है, जिसमें बामुश्किल हम अपने पीने के पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। यहाँ के लोग कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि से लेकर विस्थापित करने वाले बोरी अभयारण्य के कार्यालय में पहुंचकर SDO से भी की, लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर खोदे गए बोरवेल खराब गुणवत्ता की क्रेशिंग खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की समस्या से सभी ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मनीराम। कहाँ से हैं? मौना से। क्या समस्याएं आ रही हैं पिछले दिनों? मतलब आपको विस्थापन हुआ है आप लोगों का, 94 परिवारों का, वहां से और यहाँ में क्या अंतर है? क्या सुविधाएं सरकार ने दी हैं और अब किस बात की दिक्कत है? यहाँ टोटल पानी की दिक्कत है, यहाँ कुछ नहीं है। बढ़िया जमीन दी है उनने, लेकिन पानी का दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत आ रही है मतलब? बोर पता नहीं उनने डाल दिए, अपन तो कभी देखे थे नहीं। अब ये मालूम नहीं है, पाइप फूट गया बोल रहा, भसक गए भाई। बड़ी मुश्किल से तो मोटर निकाले हमने, यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो आपको ऐसा आशंका है कि भ्रष्टाचार हुआ है इस मामले में? नहीं, वो चेक कर लिया तो कह रहे हैं केसिंग फूट गया। तो क्या ठेकेदार ने बोला है कि करवा के देंगे? नहीं, ठेकेदार नहीं बोले, ये फर्स्ट वाले ने बोले थे तो आज भी नहीं खोद रहे, वो 2 साल हो गए। 2 साल से पानी की समस्या चल रही हाँ है। 2 साल से। सरकार से क्या दरखास्त? वो दरखास्त थे भैया, हमको पानी निकाल के दे दो और खेती दे दो। अभी कैसे काम चल रहा है खेतों में? अभी कुछ नहीं चल रहा, बिना पानी? बिना पानी के बस ये बारिश फसल करते हैं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? संतलाल कुमरे। कहाँ के रहने वाले? ये जो गांव है जिसको 2017 में विस्थापित किया था आप लोगों को, ये 94 परिवारों को आपको विस्थापित किया था जी, पर कुछ समस्याएं हैं, कुछ समय से आ रही हैं आप लोगों को, क्या क्या समस्या आ रही हैं? समस्या ये आ रही है सर कि खेतों में पानी बिल्कुल नहीं है, बोर करके दे दिए, बोर भसक गया तो उसका कोई ध्यान नहीं दे पाया। तो सरकार से आपने कुछ ऐसा आवेदन वगैरह? हमने बिल्कुल आवेदन भी दिए, उनके पास गए भी, लेकिन हाँ हाँ बोल रहे हैं और 4 दिन के लिए आ रहा है और देख पर कवर चले जाते हैं। तो क्या बोला ठेकेदार ने? हाँ बोले कर देंगे, बोले आज तक कुछ नहीं किया सर। अच्छा ये बताइए, 94 परिवार है, 500 लोगों की जनसंख्या है लगभग इस गांव की, हाँ। तो क्या मतलब वहाँ से जब आपको विस्थापित किया था तो कुछ ऐसी अलग से सुविधाएं दी थी या कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई सर? नहीं, सुविधा दी बस जो ये कि 5 एकड़ जमीन दे दी, 2 लाख रुपये दे दिए, उसके बाद भी सर व्यवस्था नहीं थी। उसने ये बोला था कि खेतों में हम बोर करके देंगे, बोर करके दिया तो उसमें पानी नहीं है, जिसमें पानी था वो भसक गया, तो हम बोल रहे कि भाई उसको डबल से बना के दे दो। बोले हाँ, कह रहे देख के चले जाओ, लिख के ले जाओ और कुछ नहीं करते सर।